सरकारी जमीन पर कैसे कराया कब्जा, सिंधिया समर्थक ने खोला राज। सिंधिया के करीबी बोले, सरकारी जमीन मिले तो उस पर कब्जा कर लो। अंबेडकर की मूर्ति के सहारे सरकारी जमीन पर कब्जे की बताई रणनीति। इमरती देवी के बयान से बैकफुट पर आई बीजेपी। सिंधिया के समर्थक हैं बीजेपी नेता इमरती देवी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारे पिछले 4 दशक से भारतीय राजनीति में गूंज रहे हैं। दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी की ओर से नारे लगाए जाते रहे हैं। वो बात अलग की है कि पिछले 2 दशकों से बीजेपी की ओर से लगने वाले नारों का शोर कुछ कम हुआ है। बीएसपी नेता दावा करते थे कोई भी सरकारी जमीन मिले तो उस पर बाबा साहेब की मूर्ति लगा दो और उसे अपना बना लो। बीएसपी नेताओं को सत्ता मिली तो वो इस नारे को भूल गए, लेकिन अब बीजेपी की निगाह दलित वोटों पर है, इसलिए बीएसपी का नारा अब बीजेपी अपनाती दिख रही है। मध्य प्रदेश में दलित वोट के लिए सिंधिया समर्थक मंत्री ने जो कहा वो बीजेपी की मुसीबत ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी वैसे तो हमेशा सुर्खियों बनी रहती हैं। कमलनाथ की सरकार में मंत्री थी, जब शिवराज सिंह की सरकार बनी तो उसमें भी मंत्री बन गई, लेकिन उपचुनाव हार गई तो मंत्री पद चला गया, लेकिन निगम में चेयरमैन बनकर पावर में बनी रही। इन दिनों उनका एक बयान सुर्खियों में आ गया है जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में मन से लोगों को सरकारी जमीन को घेरने के लिए उकसाती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री अपने समर्थकों से कह रही है कि जिस जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति लग गई वो हमारी है, आपको पुलिस की गाड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो बस बाबा साहब की मूर्ति लगा दो, बाकी का काम हम देख लेंगे। मैंने भी ऐसे ही जमीन पर कब्जा कराया है, इमरती देवी ने कहा। सहराई में तो मैंने खुद ही जमीन घेरी है, यहाँ मैंने सामने खड़े होकर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई और 31 लाख रुपए के काम करवाए। बिलौवा में खाली जमीन डली थी, लोगों ने पूछा क्या करें, हमने कहा कि वो जमीन अपनी है, पैसे पकड़ो, बाबा साहब की मूर्ति लाओ, रख दो। अब वहां पर एक सामुदायिक केंद्र भी बन गया है। भितरवार के गोहिंदा में 96 गांव के जाटो समाज की बैठक में मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी ने कहा कि आप लोग एकजुट रहो, सभी लोग बड़ी हिम्मत और ताकत से लड़ो, पुलिस की गाड़ियों से मत डरना, ये तो अपने मारे भागते हैं, यहाँ भी लोग खड़े हैं, सुन भी रहे हैं, इनकी एक मुट्ठी है, अपनी तो कई मुट्ठियां हैं। इसके साथ ही इमरती ने खुद की जान को खतरे में भी बता दिया। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले मुझे मारने के लिए लोग घूम रहे थे, अगर मैं मर जाती तो 15 दिन तक पेपर में छपती। वैसे मरना तो सभी को है, एक दिन मैं भी मरूंगी और जिस दिन मरूंगी उस दिन पेपर में भी छपूंगी। इमरती बोल रही थी तो सामने बैठे लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इमरती के ऐलान से बीजेपी के नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर जिस ग्वालियर चंबल अंचल से इमरती देवी का प्रभाव है वहां के बीजेपी नेताओं में चिंता ज्यादा दिख रही है। इमरती के बयान को सवर्ण और ओबीसी विरोधी माना जा रहा है। 5 साल पहले इसी तरह से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में खुले मन से ऐलान कर दिया था कि आरक्षण प्रक्रिया को कोई माई कलाल रद्द नहीं कर सकता है। इसके चलते पूरे अंचल में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था और अब इमरती देवी के बयान से भी उसी तरह के नुकसान की आशंका बीजेपी को सता रही है, जिस कारण बीजेपी नेताओं ने इमरती देवी के बयान से कन्नी काटना भी शुरू कर दिया है। इमरती के बयान को उनकी निजी राय बताया जा रहा है, इसे पार्टी का बयान नहीं माना जा रहा है। साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जे के किसी भी प्रयास पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।